हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे यूपीपीयू 4568 भर्ती में अगर आप सेलेक्टेड हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। बिकॉज हम इस वीडियो में बात करेंगे मेडिकल प्लस ट्रेनिंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो कि आपके सिलेक्शन में बहुत ही हेल्प करेगी। जी हाँ फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल से जुड़े होंगे तो हमने प्रीवियस वीडियो प्रोवाइड किया था और वो रिलेटेड था आपका यूपी पुलिस 41520 भर्ती से, जो कि उस नोटिस में पीएससी के कैंडिडेट के बारे में जो है ऑफिशियल जो है इंटरनल नोटिस के थ्रू सूचना दी गई थी कि उनकी जो प्रशिक्षण है वो कब तक समाप्त करी जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो हम उसके अकॉर्डिंग जो है आपके मेडिकल प्लस ट्रेनिंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, जैसे कि अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं फ्रेंड्स। और वाला है घर बैठे, जैसे कि अभी तो हम चर्चा इस पर नहीं करेंगे, जो आपकी COVID-19 है इसकी वजह से जो है आपकी मेडिकल में देरी हो रही है, तो आपको ऑफिशियली पता है ना, ऑफिशियली आपको ये पता ही है ऑलरेडी, तो इस पर हमें चर्चा करने का कोई फायदा नहीं है। तो फ्रेंड्स, बस आप ये जानो कि इसकी वजह से आपकी देरी तो हो रही है ना मेडिकल में, है ना, नहीं तो आपकी जो मेडिकल है अब तक हो रही होती। तो देखो इससे एक फायदा होगा, जैसे कि आपको पता होगा कि सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रेनिंग प्लस मेडिकल में आपके मतलब कुछ टाइम का गैप होता है, मतलब मेडिकल होने के बाद ट्रेनिंग में होने में भी कुछ टाइम लगता है। लेकिन देखो इस बारे ऐसा कुछ नहीं होगा, जैसे ही आपका मेडिकल कराया जाए, ठीक है, जिसमें आपके लगभग 23,000 प्लस स्टूडेंट जाएंगे जो कि सिविल के होंगे, गर्ल प्लस बॉयज, ठीक है, तो जैसे ही उनका मेडिकल होगा उसके बाद से तुरंत बाद ही उनको ट्रेनिंग पर यानी कि प्रशिक्षण के लिए भी बुला लिया जाएगा। क्योंकि देखो अभी आपका अप्रैल आ गया, आज 1 अप्रैल है, ठीक है, और अभी तक जो है आपका मेडिकल हो जाना चाहिए लेकिन नहीं हुआ है। और जो एक ई आर्टिकल के माध्यम से आया था कि आपका जो मेडिकल होगा वो जो आपका ट्रेनिंग होगा वो जुलाई में हो सकता है। तो फ्रेंड्स अब देखो, अगर इस नोटिस के थ्रू अगर हम बात करें तो जैसे कि अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसमें साफ साफ लिखा गया है कि जो पीएससी के कैंडिडेट गए थे ट्रेनिंग पर, उनकी जो ट्रेनिंग है वो 27/6/2020, ठीक है, और जो आपका 2/7/2020 को जो है समाप्त करने का प्रस्तावित किया गया है। तो आपका बोला गया था कि 15 जुलाई से जो है वो आपकी मतलब ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स अभी आप देख रहे हो, आपको एक फ़ायदा होगा घर बैठे ही कि अभी आप वेट करो या फिर बाद में, अगर आप अभी वेट कर रहे हो तो मेडिकल के तुरंत बाद ही आपको ट्रेनिंग पर भी बुला लिया जाएगा। आपको बिल्कुल भी फिक्र नहीं करना है कि हमें तो लेट हो रहा है, हमें देरी हो रही है, हम क्या करें, तो बस आप आराम से घर में रहो। अभी आपका जो काम है ओनली जो है अपने घर रहने का है, क्योंकि इस COVID-19 से लड़ने का तरीका भी यही है सबसे बेटर, ठीक है, आप अपने घर में रहो। और देखो फ्रेंड्स एक इम्पोर्टेंट बात, जैसे ही अगर हम बात करें कि आपके मेडिकल कब तक हो सकते हैं, तो देख सकते हैं मेडिकल वैसे तो आई होप कि जो आपकी ये महामारी है वो जल्द ख़त्म हो जाए। और जो इनका कहना है जो कि कैबिनेट सिक्योरिटी है कि 14 अप्रैल से आगे नहीं बढ़ेगा लॉकडाउन और आप अफवाहों पर जो है ध्यान न दें, तो ये केंद्र की तरफ से बड़ा बयान आया है। तो फ्रेंड्स देखते हैं क्या होता है, आई होप, हम तो प्रे करते हैं कि 14 अप्रैल तक आपकी जो ये लॉकडाउन की प्रक्रिया है वो समाप्त हो जाए और ये जो महामारी है ये हमारे देश से भाग जाए। और जैसे ही अगर मान लो जो है आपका ये लॉकडाउन हटा लिया जाता है तो जो भर्ती बोर्ड है वो आपका मेडिकल ही सबसे पहले कंडक्ट कराएगी। जी हाँ, अगर ज़्यादा से ज़्यादा देरी हुई तो आपका जो है मई के लास्ट तक, ठीक है, और जून आप मान के चलो आपका मेडिकल हो जाएगा। और जैसे ही आपका मेडिकल होगा देन आपकी जो है ट्रेनिंग भी स्टार्ट हो जाएगी, उसमें आपकी गैपिंग नहीं रखी जाएगी। तो आपको इन बातों का जो है ख्याल रखना होगा। और उससे पहले हम आपको बता दें मेडिकल में फ्रेंड्स आपको जो मैंने आपको पहले भी बताया था, आप अपने नोकनी प्लस फ्लैट फुट को अच्छे से मतलब चेक कर लीजिएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स उसी में ज़्यादातर बाहर होते हैं। लेकिन वैसे भी रीमेडिकल का टाइम मिलता है लेकिन वो कवरअप नहीं हो पाता है, लेकिन क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो आपकी नोकनी प्लस फ्लैट फुट है उसे ठीक होने में भी अगर कम से कम बात करें तो
15 से 20 दिन तो लग ही जाता है। तो फ्रेंड्स, आप अगर इसमें आपकी कोई प्रॉब्लम्स है तो आप अभी से स्टार्ट कर दो, प्लस आप अपनी आँखों की भी जाँच जरूर करा लेना। तो फ्रेंड्स, बस मुझे आप सभी को यही इन्फॉर्मेशन देना था, और देख सकते हो बहुत सारी आर्टिकल के माध्यम से तो अभी यही आया है कि लॉकडाउन जो है नहीं बढ़ सकता, तो देखते हैं क्या होता है। बाकी मुझे आप सभी को यही इन्फॉर्मेशन देना था क्योंकि आपके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। और ये आपका जो है ईमेल यानी कि फैक्स है, आप चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर ये प्राप्त कर सकते हैं नोटिस ईजिली, ठीक है, हम आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर देंगे। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, वीडियो पसंद आई है तो आपसे एक लाइक की उम्मीद करते हैं। और हाँ, अगर आपको उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए पनौती बोर्ड की तरफ से ऑफिशियली, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पर आपको यूपी पुलिस से रिलेटेड छोटी से बड़ी सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है जो कि आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।